गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, यहाँ लोगों को भेजा गया, आश्वासन हमें लगातार लिए लेकिन हमें लिखित भी चाहिए। तमाम भर्तियों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है, आज मैं इनके साथ हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अंतिम सांस तक इनके साथ रहूंगा। क्यों 9-9 साल 8-8 साल बेरोजगारों को इंतजार करना पड़ता है अपने रोजगार के लिए, क्यों सड़कों पर आना पड़ता है और क्यों उपेन यादव को हर बार सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है इस बात की कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। उपेन यादव, ये तो वादा था ना सरकार का कि बेरोजगारों को रोजगार देंगी, फिर उस वादे के लिए सड़क पर आने को क्यों मजबूर होना पड़ा? देखो, जिस प्रकार मंत्री और अधिकारी तानाशाही के लिए लापरवाही कर रहे हैं उसके खिलाफ हमने बगावत की है, मापड़ाव डाला 15 तारीख से, लेकिन आज 8वां दिन है, अनशन है, मापड़ाव है, धूप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कई की तबीयत खराब हुई है, लेकिन जिस प्रकार हमारी सुनवाई नहीं है, बेरोजगार आक्रोश है। हालांकि वार्ता की दो दौर संभालते हुए आज तीसरा वार्ता के दौर है, या प्रशासन के अधिकारी आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद वार्ता होगी, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया कि हमें लिखित में चाहिए, आश्वासन हमें लगातार लिए लेकिन हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि बिना लिखित में हम हटने वाले नहीं है कि 2013 से लंबित भर्ती है, चाहे NM जीनम हो, चाहे पंचायत राज LDC हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो, चाहे विद्यार्थी मित्र वंचित है वो 7,000 वो मामला हो, चाहे जो नई भर्ती की मांग करे, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे ऊर्जा वाह की टेक्निकल हेल्पर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पशुधन सहायक हो, PTI हो, तमाम रिक्त पदों पर भर्ती दिखाने की मांग हो। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो कोरोना ही होता है 2018 के, उनकी ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की बेटिंग हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की बेटिंग हो, 2018 की बेटिंग, हर जगह मतलब धोखा ही मिला। तमाम भर्तियों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है, क्योंकि जो लापरवाही चल रही है इसमें बेरोजगारों आक्रोश है, लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया था कि हम नहीं हटेंगे, चाहे लाठी मिले, चाहे हमें गोली मिले। आपको फूट फूट के रोना पड़ा, क्या वजह रही उसकी? PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, यहाँ लोगों को भेजा गया या फिर लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई कि आप आ जाइए, इनको साइड में कर दीजिए, या फिर उनके द्वारा जो इनके लोग आए थे, तथाकथित लोग आए थे कि आप सिविल लाइन्स की तरफ कूच करिए, इस आंदोलन को उग्र करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस बात का दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हॉस्पिटल में जा रही हैं और जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा ये वही सरकार है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भत्ता तो दूर, नौकरी भी नहीं दे पा रही। नहीं, वही सरकार है जिसको हमने समर्थन भी दिया था, राहुल गांधी जी से मिलकर PCC में खुद बैठा था, प्रमोद तिवारी थे, पवन खेड़ा जी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, राज्य प्रवक्ता राघेंद्र राघवे थे, बैठ के समर्थन दिया था, साथ थे, लेकिन जिस प्रकार अनसुनी की गई, जिस प्रकार बेरोजगार के नहीं सुने थे, तो आक्रोश था हमने मापड़ाव डाल दिया। तो क्या ये माना जाए वोट जब तक लेने थे तब तक दे दिया समर्थन, और जब वोट दे दिए उसके बाद धोखा दे दिया? देखिए, वोटों का समय तो अभी भी आ रहा है, 4 जगह विधानसभा उपचुनाव है और हमने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, हमने साफ कह दिया कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती, जब तक हमें लिखित में नहीं देते हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और हम मतदाता से जाकर अपील करेंगे कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है और बेरोजगार प्रत्याशी को उतारना है और 4 जगह सुपड़ा साफ। उपेन यादव, आप जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकते हैं, उनको जब 8-8 साल इंतजार करना पड़ता है, जब बच्चे रुल जाते हैं, जब खाना पीना रुल जाता है पढ़ने लिखने के बावजूद, तो क्या हश्र होता है? बहुत बुरी हालत है, इसलिए तो मुझे भावुक होना पड़ा कि आज देश का युवा, प्रदेश का युवा, जो उनका भविष्य वो सड़कों पे पड़ा है, आखिरकार इनकी क्या गलती है? इन्होंने एग्जाम दी, इन्होंने भर्ती में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने आश्वासन लिया, इन्होंने वोट दिया, आज इनकी सुननी चाहिए, आज ये पीड़ित है दुखी कहाँ जाएं, आज हमारे अलावा कहीं नहीं जा पाते, आज मैं इनके साथ हूँ, मैंने इनसे वादा किया था, चाहे मेरी जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, इनके साथ पड़ा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ और अंतिम सांस तक इनके साथ रहूंगा। तो ये है उपेन यादव जो अंतिम सांस तक इन आंदोलनकारियों के साथ हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये वो लोग हैं जो एग्जाम देते हैं, ये वो लोग हैं जो राजस्थान के विकास में आगे आ सकते हैं, लेकिन इन लोगों को 9-9 साल इंतजार करवाया जाता है, और हश्र ये होता है कि महिलाओं को अपने बच्चों को छोड़कर अनशन पे बैठना पड़ता है, और यहाँ हालत होती है, आज वार्ता हो रही है, अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सरकार को सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई थी, अगर आप धोखा करोगे तो आप फिर से वापस सत्ता में नहीं आ पाओगे। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कुछ वक्त पहले सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब सोच रहे थे कि फ्यूचर हमारा जबरदस्त होगा, अगले साल इतनी इनकम, उसके अगले साल और ज्यादा इनकम, और उसके अगले साल बहुत सारा पैसा कमाएंगे। पर हुआ क्या, कोरोना आ गया, सब सपनों पर पानी फेरता हुआ, भविष्यवाणियों को रौंदता हुआ, किसी को पैसे से, किसी को सेहत से, और किसी को जान से मारता हुआ ये कोरोना हमारा पूरा एक साल खा गया। इस एक साल में क्या क्या किसने खोया, यह अब हम बता सकते हैं, पर क्या दावे के साथ ये कह सकते हैं
कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा नहीं, आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त रहेगी। है कोई ऐसा ज्योतिष जो इस बात पर स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करके दे सकता हो? कोई ज्योतिष तो आपको सिक्योरिटी दे ना दे, लेकिन यह सिक्योरिटी आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर दे सकता है। सोच कर देखिए, कितने ऐसे लोग होंगे आपकी जानकारी में जो अचानक बेवक्त दुनिया छोड़ देते हैं। परिवारों को उनके जाने के गम के साथ साथ बाद में कैसे खर्चा चलेगा इसकी चिंता भी सताती है। अब मैं आपको कुछ लोगों की सच्ची कहानियाँ और सच्चे इंश्योरेंस एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो सब मेरे क्लाइंट्स हैं, जब इंश्योरेंस ही बनी जिंदगी का सहारा। ये कहानी मेरे करीबी दोस्त की है, बहुत अजीज दोस्त, जिसके हस्बैंड इंश्योरेंस में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन मेरे बहुत फोर्स करने पर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया। उसको मैं फोर्सफुल भी कहूँगी तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन उस इंश्योरेंस को लेने के कुछ साल बाद ही उसके हस्बैंड की अचानक साइलेंट अटैक की वजह से डेथ हो गई। फिर उन्हें जब 50 लाख रुपया बतौर इंश्योरेंस कवर मिला तो फिर वो अपना बुटीक शुरू कर पाई और आज वो और उनकी बेटी पूरे परिवार को उस बुटीक के दम पर चला रही हैं। कहने का मतलब ये है कि कल का पता किसी को भी नहीं है। आज मैं आपको कोई प्लान नहीं बताऊंगी, उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि कल किसने देखा है वाला एटीट्यूड तो अब हमें छोड़ना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कल के लिए तैयार हैं वाला एटीट्यूड लाना चाहिए। आप सभी लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे रेफर उन्हें करें जो अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहते हैं, जो कम टैक्स देकर अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं या एक और करियर ऑप्शन चुनकर जिंदगी भर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। ये सब कैसा होगा, इसका जवाब है हमारी मुलाकात। तो आइए मिलते हैं और आपकी आने वाली जिंदगी को सिक्योर करते हैं।